तो HP लेजर जेट 1136 का प्रिंटर का काफ़ी टाइम बाद वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो अभी स्टार्ट किया हूँ दोबारा, कंटिन्यू टाइम मिला है तो दोबारा स्लॉट पे रिटर्न आ गया हूँ। तो देखिए वहाँ से पावर सप्लाई निकाल के अब यहाँ पे हमने यहाँ पावर सप्लाई रख लिया है और ये प्रिंटर ऑन नहीं हो रहा था। तो इस केस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या इशू है, तो कृपया मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। एक आपको नया फॉल्ट बताऊँगा कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, कैसे रिपेयर करेंगे इस फॉल्ट को। तो पहले हम हॉट टेस्टिंग कर लेते हैं, फिर कोल्ड टेस्टिंग करेंगे, आपको दोनों माध्यम से मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए इसको माउंट करते हैं। तो गाइस तो टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, कैसे हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए ये पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई में जिधर से हम पावर को इन करते हैं वो इनपुट सेक्शन होता है। इसमें आप देखेंगे जो लाइन लाइन सी बनी हुई है, ये सब VRM सेक्शन, मतलब आप बोल सकते हो प्राइमरी सेक्शन, ठीक है, जहाँ पे एक बाउंड्री बनी है और जहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बना लगा होता है डायोड, आप समझ जाना कि यहाँ तक। इसके बाद जो हिस्सा होता है दूसरे छोर में वो DC सेक्शन का होता है, जैसे कि MOSFET और हमारे प्राइमरी के जो SM ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, और सेकेंडरी में जो हमारे इंड्यूस करंट बन के जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें वो डायरेक्टली पावर कनेक्ट करके ये ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये डायरेक्टली पावर हम 24 वोल्ट चेक करेंगे। 24 वोल्ट कहाँ पे चेक करना है वो आपको डिटेल में बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि 24 वोल्ट कैसे चेक करते हैं, पावर सप्लाई कैसे चेक करेंगे कि ये ऑन हो रहा है या ओके है, डेड है, क्या है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप बैक साइड से देखेंगे जो ट्रांसफार्मर है वहाँ डायोड लगा होता है और ये कि यहाँ 35 वोल्ट की कैपेसिटर होती है। यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे तो 24 वोल्ट आना चाहिए। तो मल्टीमीटर में भी देखिए यहाँ पे कोई भी वोल्टेज शो नहीं करेगा, देखिए कोई वोल्टेज शो नहीं करेगा मल्टीमीटर में, आप देखेंगे तो कोई भी वोल्टेज यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है। तो कैपेसिटर मैं दिखा देता हूँ कौन सी कैपेसिटर है, थोड़ा डिटेल में आज बना रहा हूँ वीडियो। तो देखिए ये जो कैपेसिटर है ना और ये डायोड है, देखिए ये सामने से देखेंगे तो ये डायोड है और ये कैपेसिटर है। कौन सी कितनी वोल्ट की है दोस्तों, 35 वोल्ट की, पीछे वाले भी 35 वोल्ट की है और सामने वाली 35 वोल्ट की है। तो इस पे आपका 24 वोल्ट आना चाहिए, उसके बाद से इस पे 24 वोल्ट आ रहा है तो इन स्विच पे भी, जैसे आप डोर क्लोज करते हो तो यहाँ पे भी 24 वोल्ट आना चाहिए ग्राउंड से और इस पे, ठीक है। तो आप चेक कर लेना कौन सा ग्राउंड है, तो उसके हिसाब से मैं अभी चेक करके पूरा डिटेल में दिखा दूँगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, अब बात करते हैं कि इसमें वोल्टेज नहीं आ रही है। तो वोल्टेज कहाँ कहाँ आ रही है हॉट टेस्टिंग पे, तो हॉट टेस्टिंग में बिल्कुल केयरफुल आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए अदरवाइज। तो अब हम चेक करेंगे जो हमारा 350 वोल्ट या 300 वोल्ट जो पिक वोल्टेज होता है कैपेसिटर पे, MFC पे, मेन फिल्टर कैपेसिटर पे, वो आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं AC की, तो AC रेंज पे चलते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये है हमारा AC का टर्मिनल, तो इस पे देखेंगे, इस पे तो हमारा जो वोल्टेज है वो आ रहा है, बट अब यहाँ पे चेक कर लेंगे तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। इट मीन्स कहाँ पे नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा डायोड है इन यहाँ पे आता है, ठीक है, बीच वाले दो पॉइंट पे, और ये हमारा मेन इनपुट है। तो आप देखेंगे मेन इनपुट तो हमारा आ रहा है बट यहाँ पे डायोड इन में नहीं आ रहा है। तो चलिए अब एक चीज़ इसमें आपको और इंटरेस्टिंग बताऊंगा, आप सोचोगे कि यहाँ फ्यूज जुड़ा होगा, तो फ्यूज के लिए फ्यूज उड़ा है, बिल्कुल उड़ा है, यहाँ पे ओपन हो गया, शॉर्ट हो गया, ओपन हो गया फ्यूज। देखिए यहाँ पे फ्यूज लगा होता है इनसाइड से, ये देखिए यहाँ पे ये फ्यूज लगी है, ठीक है, देखिए। तो इसमें क्या है कि फ्यूज को आप चेक करेंगे रियर साइड से, तो देखिए कोई बीप नहीं कर रहा है, इट मीन्स जो आपका फ्यूज है। तो चलिए मैं आपको फ्यूज भी लगा के दिखाता हूँ, आपको जल्दीबाजी नहीं करना कि कैसे चेक करना है, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में और बता रहा हूँ। वीडियो लंबी है लेकिन आपको एक बार में आप समझ जाओगे इस कॉन्सेप्ट, तो इजीली आप पावर सप्लाई को रिपेयर करोगे। जैसे ये फ्यूज है तो हम क्या करेंगे, फ्यूज को फेंक देंगे, दूसरा फ्यूज लेंगे, बहुत सारे फ्यूज आता है, आप ऐसा ऑर्डर कर सकते हैं हमसे, 50 रुपये का एक पैक आता है, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप आराम से रिपेयर करते रहना, ठीक है। इसमें 100 फ्यूज होते हैं, 50 पैसे का एक फ्यूज होता है सिलेंडर टाइप का, तो ये सब मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, इस तरह से नए फ्यूज होते हैं बहुत सारे, इसमें देखेंगे तो आप फ्यूज हैं इसमें, ठीक है। तो ये सब हम लोग ऑफिस यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी पर्सनल यूज नहीं करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे फ्यूज भी
हम यहाँ से प्लेस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द ट्यूजर। तो फ्यूज लग गया हमारा। अब डायरेक्टली मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको नहीं लगाना जब तक। अब देखो मैंने फ्यूज तो लगा दिया, ठीक है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला था कि अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना है। आपने तो बीप रेंज पे अभी तक हमने चेक किया था फ्यूज़ को, ठीक है। अभी देखिए रियर साइड से बीप आ जाएगा, बीप आ गया, फ्यूज ओके बताने लगा। लेकिन अब हम शॉर्टिंग चेक करेंगे अपने डायोड की, जो ब्रिज रेक्टिफायर हमारा लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे चेक करेंगे जो इन आता है यहाँ पे, ये देखिए बीच वाले में दोनों साइड से सेम वैल्यूज शो करेगा हमें, ठीक है। ये देखिए 139 139, यानी कि इट मींस हमारा जो डायोड है शॉर्ट है। आप सोचोगे ये गलत है, इम्पीडेंस रिवर्स आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, सेम वैल्यू शो नहीं करना चाहिए, 100% ये शॉर्ट है। तो चलिए हम इस पर चेक कर लेते हैं। तो देखिए इस पर भी 107 दिखा रहा है और 107 देखिए। तो आप बजर मोड पे भी चेक करोगे तो 107 ही दिखाएगा, ठीक है। तो ये 100% शॉर्ट है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, प्रूव कर देता हूँ। तो इसके लिए हम एक लेते हैं पावर केबल, डेस्कटॉप की पावर केबल जाना निकाल दें। तो ये हमने इसके लिए सेटअप लगाया हुआ है। आप देखिए ये बल्ब है सीरीज, और इस पर हम आपको दिखाएंगे। इससे सेफ्टी आपको मिल जाता है थोड़ा सा, और इधर कनेक्ट करेंगे अपने को पावर कोर्ड से। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों ये है हमारा सीरीज बोर्ड। अब इसमें हम क्या करेंगे, लगाएंगे इस पावर कोर्ड को, और ये जो हमारा बल्ब है अब यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो देखिए फ्यूज तो हमने लगाया हुआ है और बल्ब भी, अब देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लाइट भी जल जाएगा, ठीक है। जैसे ऑन करेंगे देखिए लाइट जल गया। आप समझ जाओ कि 100% ये बोर्ड शॉर्ट है, जो आपकी पावर सप्लाई है। इसका मतलब है, देखिए जैसे मैं यहाँ से निकालूंगा ये क्या होगा, आप जैसे डायरेक्टली पावर सोर्स से लगाते तो ब्लास्ट हो जाता और ये आपका पावर सप्लाई और भी कुछ डैमेज हो जाता, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम रिपेयर कर लेते हैं। अब हमने डायग्नोस्टिक तो सीख लिया कैसे डायग्नोस करते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, ऐसे हम काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए आप ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हमें कुछ भी सपोर्ट करने के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीमियम वीडियो भी देख सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, TRC टेक सर्च करिए, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करिए, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आपको। तो बेसिकली दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो देखिए ऐसा हम स्क्रैप सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे या ब्रिज रेक्टिफायर। तो पहले सबसे पहले हम ब्रिज रेक्टिफायर रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे करना है, तो ये देखिए एक शोल्डिंग करेंगे पीछे, तब तक हम इसको भी अरेंज कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, रीशोल्ड कर लेंगे। ऐसे रीशोल्ड करने के बाद PCB को देखिए रीशोल्ड कर लिया। आपको यहाँ पे डीशोल्डर वायर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रियर साइड से हम इसको नीचे की तरफ खींचेंगे और इसको रीशोल्ड करते रहेंगे ऐसे, ठीक है। आप चाहो तो डीशोल्डर वायर का भी यूज़ कर सकते हो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से, लेकिन मैं आज तक कभी डीशोल्डर वायर इस्तेमाल नहीं किया हूँ और ना करने वाला हूँ, तो आप समझ सकते हैं। और ऐसे ऐसे करके हम थोड़ा थोड़ा करके भी निकाल लेते हैं। तो ट्यूजर से या प्लास से आप पकड़ लेना नीचे रियर साइड से, और इसको आप वीडियो में देखिए ध्यान से। देखिए निकल गया, ठीक है। और इसको जैसे निकालने के बाद लगाना कैसे, वो सब कुछ डायग्राम इसमें दिया है। आपको नहीं पता तो आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, वैसे तो हमें आइडिया, हम कंटिन्यू इसमें लगाते रहते हैं।
और डायरेक्शन भी लिखा होता है प्लस माइनस का, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो शोल्डर एक्स्ट्रा शोल्डर है उसको हटा लीजिए। ट्रैक भी ऐसे डैमेज नहीं होता, बट आपको इस्तेमाल करना है अपना स्किल्स शोल्डरिंग करने का, डी शोल्डरिंग करने का। ठीक है, तो ये हो गया अपना। ठीक है, तो देखिए थोड़ा, अब आते हैं हम डोनर बोर्ड पे। तो डोनर बोर्ड हमने यहाँ से, जहाँ से हमें ब्रिज रेक्टिफायर चेक करना है, चेक करके हम निकालेंगे, नहीं तो पता चले कि अपना टाइम भी ख़राब हो गया और कबाड़ा निकाल लिया हमने। तो इसको हम चेक कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो डायोड मोड पे चेक करेंगे, तो डायोड मोड पे भी देखिए एक साइड से इम्पीडेंस नहीं दे रहा, एक साइड से इम्पीडेंस यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, शो कर रहा है। और दूसरे साइड से शो कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स ओके। और बाजार मोड पर चेक करें तो कोई भी बीप वगैरह नहीं आ रही है। ठीक है, इट मीन्स हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। और ये आप लोग देख लेना, जो भी इसकी साइज हो उससे बिल्कुल सेम हो, नहीं तो ये लगेगा नहीं। बाकी तो आप कैसे भी छोटा बड़ा लगा सकते हैं इसमें, उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। वो डीसी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का ही काम होता है ब्रिज रेक्टिफायर का। तो आप ज़रूर इसमें ध्यान दें, नहीं तो आपको पीसीबी को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा तभी ये, मतलब जो भी है इसके डायग्राम के हिसाब से, जो पिन के हिसाब से आपको इसमें होल करना होगा, तब पीसीबी में आप इजीली लगा सकते हो। ठीक है, इस पर भी आपको शॉर्ट्स वीडियो इसके शॉर्टकट में देखने, मेन चीज़ तो आप अनिल टीआरसी टेक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे शॉर्ट वीडियो जो आपको मेन पॉइंट आपको कवर करने को देखने को मिल जाएगा। और ये आपको फुल वीडियो देखना है तो आप हमारे इस प्राइमरी चैनल को फिर विजिट करके स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। ठीक है, ये दोस्त निकल गया ये भी। अब हम इसको रखते हैं साइड और डोनर पीसीबी से निकाल के हम इसमें चेंज कर लेते हैं। तो इसको भी क्लीन कर लीजिए। ये सारे स्किल्स होते हैं, आप ज़रूर सीखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा डायोड रेक्टिफायर लगा हुआ वो इस साइड में लगेगा, देखिए। और आपको नहीं आइडिया है तो आप देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल पे जो हमारा ये नेगेटिव टर्मिनल है कैपेसिटर की, जो माइनस माइनस मार्किंग है, तो इधर माइनस ही लगेगा। ठीक है, और दूसरा इधर वाइट, ये यहाँ पे ट्रैक आप देखेंगे इस टाइप से, यहाँ पे कट लगा हुआ है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। यहाँ पे आप पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक है, तो अभी आप देखिए हम क्या किए, इसमें यहाँ से लगा दिए। ठीक है, ये हमारा लग के तैयार हो गया है। अब हम इसमें शोल्डरिंग कर लेंगे, आपको चेक करके दिखा देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए रीशोल्डर हो चुका, और थोड़ा सा डीप देख लेते हैं। देखिए थोड़ा और क्लीनिंग चाहिए तो आप आईसो से क्लीन कर दीजिए, आपको पता नहीं चलेगा कि सप्लाई रिपेयर हुआ है। देखिए ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा।
इससे आप इंस्पायर होंगे, अपना ठीक है। चलिए अब कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, वोल्टेज चेक कराता हूँ। तो ये अब कनेक्ट कर लेते हैं। तो इससे भी लाइट हमारा कंटिन्यू जल रही है, तो मुझे लगता है कुछ और भी शॉर्टिंग है इसमें, देख लेंगे। तो कई बार ये जो आप देख रहे हैं एक ब्लू ब्लू से, ये भी शॉर्ट होते हैं, इसके वजह से भी दिक्कतें आने लगती हैं। तो इसको चलिए चेक कर लेते हैं क्या कहानी है, उसके बाद से फिर हम इसको कम्प्लीटली रिपेयर करके आपको सामने प्रस्तुत कर दें। देखिए ऐसे यहाँ पे लगाने पे 108 ओम यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, आई थिंक ये वाली जो हिस्सा है ये खराब है। देखिए ये वाली एक कंपोनेंट खराब है इसमें, तो ये दोनों है लेकिन ये ख़राब लग रहा है। बट एक बार और देख लेते हैं 8 PM की आईसी, ये तो ठीक है, नहीं सही है, ऐसे मैं चेक कर रहा था तो ये आपस में कनेक्ट है। 59 8 PM की आईसी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेजर शॉर्ट है। एक बार ब्रिज रेक्टिफायर को हम निकाल के दोबारा देखेंगे कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। क्या पता ये भी लीकेज हो, तो इसमें लगाते ही उसको निकालने के बाद जो हमारा इम्पीडेंस है वो सही आना चाहिए NC। चेक कर लेते हैं सर्किट में क्या दिखा रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, सर्किट में ही यही फॉल्ट है। ये चीज़ें आपको एक और चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी आज, जो है देखिए जो शॉर्टिंग है हमारा, बिना हमने इसको ब्रिज रेक्टिफायर को यहाँ से निकाल लिया, यानी कि हमारा ब्रिज रेक्टिफायर जो पहले भी लगा था वो भी ठीक है, और यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है क्लियर है। तो देखिए ये बेसिकली ये ट्रैक होते हैं इनके, अब इनमें हम चेक करेंगे शॉर्टिंग क्या दिखा रहा है। इसको निकालेंगे, देखिए जो यहाँ पर पीछे लगा हुआ है सिरम, लाइन फिल्टर कैपेसिटर दोनों निकाल लेंगे। एक एक लेग के बाद चेक करेंगे जो हमारी शॉर्टिंग है वो ठीक ही नहीं।
भी जैसे कतर से, तो एक एक करके हम लाइन देखेंगे इसमें। और ये ब्लैक वाली को और निकाल लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वाले जो हिस्सा है ना, इस कंपोनेंट को आप देखिए, ये फटा हुआ है। अब इस पर आपको केयरफुली ध्यान देना, तो ये वाली आप चीज़ें देखेंगे तो इसके वजह से ख़राब भी है, ये शॉर्ट है, इसको आपको निकाल देना है, ठीक है। तो आपका जो इस केस में अगर आप लगा रहे हो, दोबारा लाइट जल रही है, तो ये तो शॉर्टिंग यहाँ पर डायरेक्ट ये वाला जो इशू है यहाँ पर क्रिएट कर दिया था। देखिए यहाँ पर जो हमारा मेन फिल्टर कैप, जो MF मेन फिल्टर कैपेसिटर जो होती है, लाइन फिल्टर कैपेसिटर, वो ख़राब है। तो इसको हम क्या करेंगे, निकाल के फेंक देंगे या तो दूसरा लगा देंगे इसके जगह पे, तो हमारा जो शॉर्टिंग है वो हट जाएगा 100%। और रेक्टिफायर को लगाएंगे तो चल जाएगा, सप्लाई हमारी ऑन हो जाएगी, प्रिंटर भी ऑन हो जाएगा और प्रिंटर भी हमारा रिपेयर हो जाएगा। 2,2500 की कॉस्टिंग यहाँ पर रिड्यूस होता हुआ हमें दिख रहा है, 2,000 की सप्लाई आपको देनी लगानी पड़ती। देखिए यहाँ पे फटा हुआ बहुत बुरी तरीके से, और शॉर्टिंग भी हट जाएगा। देखिए शॉर्टिंग यही दिखा रहा था, देखिए 109 110। अब इसको देखेंगे, चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग यहाँ पे रिमूव हो चुकी है। ओके, यही सब ख़राब होते हैं। तो आपने बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिल गया, और ये चीज़ें दिखी नहीं, नहीं तो और पहले हो जाता, बट ठीक है। लेट आए लेकिन आपको भी चीज़ें सीखने को यहाँ पर मिल गई। अब जो जैसा कंपोनेंट था हम उसी तरीके से वापस लगा देंगे, फिक्स कर देंगे, हमारा जो प्रिंटर है वो चल जाएगा। ये फ्लक्चुएशन, लाइट फ्लक्चुएशन के वजह से आपकी और कोई कंपोनेंट सप्लाई या डैमेज ना हो, इस वजह से ये ओपन हो जाता है, अपने आप को बंद कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम क्या करते हैं, सप्लाई ओरिजिनल वाले को ही यहाँ पे लगा लेते हैं, या कोई भी लगा लेते हैं, सब चलना है, एक ही काम करता है सब। ओरिजिनल डुप्लीकेट कुछ नहीं होती इसमें, कोई भी रेक्टिफायर लगी लगाइए चल जाएगा। सोल्डरिंग करिए फटाफट, और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसको ध्यान से देखिए और रिपेयर करिए, पैसे कमाइए, एंजॉय करिए। चलिए चेक करते हैं, और उसके बाद से सिस्टम में इंस्टॉलेशन सप्लाई वगैरह चेंज करने का, वो तो आप लोगों को आता ही होगा, नहीं आता होगा तो अभी भी आप वीडियो में मेरे देख लेना, ठीक है। चलिए चेक करते हैं दोस्तों, जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। देखिए यहाँ पे लगाया और ऑन किया, देखिए सप्लाई और वोल्टेज ही चेक करते हैं, ठीक है। कोई भी लाइट नहीं जला है इस बार, ये देखिए बल्ब है यहाँ पे, कोई भी लाइट नहीं जला, ठीक है, आपने देखा। और वीडियो नो एडिटिंग है तो अब देखिएगा हमारे वीडियो में रिजल्ट। अब यहाँ 35 वोल्ट की जो हमारी लाइन होती है, हम इस पर चेक करके आपको दिखा देंगे। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर शो कर रहा है मल्टीमीटर में, तो मल्टीमीटर भी यहाँ पे रख लेते हैं, बस वीडियो शूट करने टाइम बनाते टाइम
थोड़ा सा दिक्कतों का सामना। देखिए 24 वोल्ट प्रेजेंट हो चुका है 35 वोल्ट की कैपेसिटर पे, देखिए दोस्तों ठीक है। एक बार ऐसे दिखा देना, हाँ ऐसे सीधा सीधा चक ऐसे पकड़ो, तो देखिए ये है 35 वोल्ट की सेक्शन, ठीक है। ये देखिए 35 वोल्ट की कैपेसिटर 24 वोल्ट मल्टीमीटर में आपका आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी 24 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ प्रेस करके चेक करेंगे तो यहाँ भी 24 वोल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देखिए ठीक है। छोड़ेंगे 24 वोल्ट गायब। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत लंबी वीडियो हो गई लेकिन प्रॉपर ट्रबल शूटिंग बताया। वीडियो देखने के बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।